सपा विधायक अतुल प्रधान का अनशन जारी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सपा विधायक को दिया समर्थन। राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री को कहा बेईमान ज्योतिषी। राकेश टिकैत ने सपा विधायक से अनशन के बजाय आंदोलन करने की अपील। ये अनशन चल रहा, हम अपील भी करेंगे कि ये भी खत्म हो, और प्रशासन से हमारा ये है कि बातचीत का एक रास्ता निकाल के और इसका समाधान निकाला जाए। अभी देखेंगे क्या क्या मामला है भाई, निजी अस्पताल वाले भी बैठे हुए भी हैं और ये भी हैं, कोई ना कोई मामले तो हैं। हाँ और क्या, कम सपोर्ट में जावे तो हम काम। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में निजी अस्पतालों के खिलाफ सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान का आमरण अनशन पांचवें दिन शुक्रवार को भी जारी रहा, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया और कहा कि अतुल प्रधान सही मुद्दों को उठा रहे हैं। टिकैत नेता ने सपा विधायक से अनशन के बजाय आंदोलन करने और आम जनता के हित में डॉक्टरों से भी सस्ता इलाज करने की अपील की। खाने को मना कर रहे, भूख हड़ताल को मना कर रहे, खाने को प्रशासन मना कर रहा, तो फिर तो भूख हड़ताल ही रहेगी जी। खाने का जब इंतजाम नहीं करण दे रहे, ये कोई नहीं मना कर रहे, जब ये अनशन तोड़ देगा तो भट्टी भी यही चल जाएगी। हाँ जी भाई, जिनके खिलाफ धरना है और रिपोर्ट भी नहीं देनी, जो ये तो रिपोर्ट देंगे ही है। अच्छा अतुल प्रधान जब मर जा अस्पताल में चल जाए, अभी मान देंगे नहीं, हम तो अभी जा रहे, आज नहीं हमारा प्रोग्राम, और निकल जाएगा निष्कर्ष का। तो देखो देश की जनता ने भी पता कि 13 महीने आंदोलन चल जा, यहाँ के प्रशासन को भी पता, आते रहेंगे हम, आता पता लेते रहेंगे। देखो हम तो चाह रहे ये इसका समापन हो, भूख हड़ताल खत्म हो, लेकिन वो पूरे जो कमेटी इनकी है उनसे बातचीत करके और कब और कैसे होगा, और प्रशासन से भी हम कहेंगे कि उस लाइन पे भी काम करना चाहिए, प्रशासन से बात करेंगे, फोन कर लेंगे। सलाह नहीं, सलाह तो इनकी है, बस मेरा ये है कि अनशन तो खत्म होना चाहिए। अभी डीएम के भी हाथ में कुछ नहीं होता ना, 11 तारीख को महापंचायत होनी है, महापंचायत होगी 11 तारीख, 11 तारीख का अभी नहीं बता सकते कोई। अभी किसान पंचायत के बारे में क्या, अरे बन तो रहा खाना, कहाँ बन कर रहा है, और अपना ले हुआ खाना कौन मैंने लगाया, अरे कोई नहीं फेंकता, लेगा तो हमें ट्रोली में रख के लेगा भाई, ट्रैक्टर में लेगा होगा तो कोई नहीं रोके। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने प्रशासन से भी कहा है कि इस मुद्दे को लेकर कमेटी बनाई जाए, इस मुद्दे का समाधान होगा तो गरीब जनता को राहत मिलेगी। देखो बेईमान ज्योतिषी जब देश में आ जाएगा और तानाशाह राजा और बेईमान ज्योतिषी, तो भाई वो तो जीतेगा ही। कौन है बेईमान ज्योतिषी? जिसने ये कहा कि हम ही जीतेंगे, रितवी जीतेंगे, वो है किसने कहा बताओ, किसने कहा, कौन है आप बताओ? नहीं हमें क्यों नहीं पता, आपको सब पता भाई, देश का प्रधानमंत्री कह रहा कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, तो ज्योतिषी है क्या वे? तो बेईमान ज्योतिषी और तानाशाह राजा जब दोनों पद एक जगह आ जाएंगे तो यही हालात देश के होंगे, सारे को एक जगह इकट्ठा होगा, चल रहे नहीं तो सारे मारे जाएंगे। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी हठधर्मी पे है, क्या पता कौन कौन है, अरे सारे ही हैं, सारे इकट्ठे हो जाएं तो जब जाएगा बड़े की बात। तो वहीं जब किसी मीडिया कर्मी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से 3 राज्यों में विपक्ष के विधानसभा चुनाव में हारने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि बेईमान ज्योतिषी जब देश में आ जाएगा तो वही जीतेगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी हमसे कहा है, तमाम लोग कह रहे हैं ये बात, लेकिन लोगों को अवेयर करने के लिए पहले भी पूर्व में भी बहुत बार भूख हड़तालें हुई हैं, और ये अमरनसन जनता के लिए है, और इस जनता के अमरनसन के लिए जो आज पांचवा दिन जिसका खत्म होने को है, हमारा शासन प्रशासन के लोगों से ये कहना है कि चालाकी और बेईमानी छोड़कर इन धरना सेठों के आगोश से बाहर निकल के आम जनता के बारे में सोचें, सरकार भी उनके बारे में सोचे और बेहतर काम करें। IMA ने एक पत्र जारी किया है जिसमें लिखा है कि अनशन जो आप कर रहे हैं वो अनशन नहीं कर रहे, कोई भी रिपोर्ट में नहीं आया। अच्छा, उन्होंने कहा आप IMA पानी पी रहे हैं, मेरे ये पूछे हैं जी, हम पानी पी रहे, लिक्विड ले रहे हैं, अभी अन्ना हजारे ने अनशन किया था, क्या नहीं ग्लूकोज ले, क्या नहीं पानी पी रहे थे, और फिर आपको क्या दिक्कत है? अभी मुझसे डॉक्टर आके कह रहे थे कि आप ग्लूकोज लगवा लो, क्योंकि वो भी लिक्विड में है, आप ग्लूकोज, मैंने कि मैं ग्लूकोज नहीं लगाऊंगा उस रिपोर्ट का, फिर सही मानते हैं। अच्छा मैं किस रिपोर्ट की क्यों बात करूं, मैं अपना काम कर रहा हूं, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो जो बोले करते रहे, अगर उन्हें लगता है कि मेरे जैसे मैं बैठा हूं वो लिक्विड लेके 5 दिन वो भी बैठे,
दस दिन वो भी बैठे। अगर मेरे में सत्यता होगी तो रहें यहाँ पर। फिर मैं नारियल पानी, मैंने पहले दिन ही बोल दिया था, मैं पानी भी पी रहा हूँ, नारियल पानी भी ले रहा हूँ, मैं अन्न नहीं ले रहा हूँ। और लिक्विड लेने का, इसमें कई बार लिक्विड लेते हैं, कई बार लिक्विड नहीं लेते हैं, तो हम पानी के साथ अनशन पर बैठे। इनके लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? ये ईमानदारी की लड़ाई से सब लोग व्यथित है, परेशान। अभी देखिए, अभी मैंने सिर्फ आम जनता को न्योता दिया है। अगर उसमें कोई विपक्षी दलों के नेता आना चाहेंगे, किसी भी दल के हों, किसी संगठन के हों, किसानों के संगठन के हों, व्यापार संगठन के हों, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जो आना चाहेगा वो आ सकता है। और ये लड़ाई अकेले मेरी नहीं है, जो भी इस मुद्दे के तहत हमारे साथ समर्थन करता है वो हमारा है। और लगातार आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष बैठे हैं, लोकदल के लोग समर्थन कर रहे हैं, बसपा के लोग बहुत सारे आ रहे हैं, बेसक पदाधिकारी ना आ रहे हो, कांग्रेस के पदाधिकारी बेसक ना हो, और लोग आ रहे हैं। आप भी सब देख रहे हैं, अलग अलग संगठनों के लोग, हिंदू मुस्लिम कोई बैर नहीं है, सब लोग इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। शहर के कोने कोने से लोग हमारे पास पहुंच रहे हैं, माताएं आ रही हैं, हाँ वो सब लोग पूछ रहे हैं। ट्रैक्टरों से आने का आह्वान किया आपने मेरठ? मैंने ये कहा कि ट्रैक्टरों से आए और जो है पूरा ट्रैक्टरों से भर दें। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ पिछले 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सपा विधायक के आमरण अनशन पर सवाल उठने लगे हैं और आमरण अनशन पर बैठे अतुल प्रधान की मेडिकल रिपोर्ट वायरल हो गई है। एक तरफ अतुल प्रधान दावा कर रहे हैं कि वह भूख हड़ताल पर हैं और आमरण अनशन कर रहे हैं, तो वहीं मेडिकल रिपोर्ट चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। तो चोर बोला जा रहा है, डकैत बोला जा रहा है, लुटेरा बोला जा रहा है, हमने शब्द इस्तेमाल किया। हमने हमेशा ये बात कही है कि कोई सारे डॉक्टर ना डकैत है ना लुटेरे, डॉक्टर बहुत सारे अच्छे भी हैं। और ये क्योंकि आवाज बहुत बड़ी निकल गई तो अब इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या चालाकी करें, इसलिए साजिश और षड्यंत्र करना चाहते हैं। हमें ऐसा करना ना होता तो हम ऐसे ही कर लेते आंदोलन, बिना अमरनसन के कर लेते आंदोलन, उसमें कोई बड़ी बात है, वैसे ही आंदोलन चल जाता। अभी जो लोग ये बोलने वाले हैं तो वो अपना प्रमाण पत्र दे दें 3 साल का, जैसे मैंने कल अपनी संपत्ति का प्रमाण पत्र दिया है, तो वो अपनी संपत्ति का प्रमाण पत्र दे दें और कह दें कि हमने लूट नहीं की तो अच्छा रहे। राकेश टिकैत जी ने एक बात और कही है कि इसको राजनीतिक मंच ना बनाया जाए और साथ ही कोई जाति या मंच ना बनाया जाए। देखिए, राकेश टिकैत जी बड़े नेता हैं, किसानों के नेता हैं, हम हमेशा उनके आंदोलन संघर्षों में शरीक होते हैं। जब हमारी उनसे वार्ता हुई तो ये साफ साफ पता है कि अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी से विधायक है और मैं समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी भी करता हूँ, लेकिन मैंने हर मंच पर हर भाषण में बोला है कि ये जो आंदोलन है ये किसी दल, पार्टी, संगठन, जात धर्म से ऊपर उठकर यह आंदोलन है। और ये आंदोलन जो हम कर रहे हैं ये आवाम के लिए कर रहे हैं, यह आंदोलन कोई चुनावी परिप्रेक्ष्य में, यह आंदोलन कोई ऐसे नहीं है, ये आप सब लोग भी जानते हैं। यह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये आप सब लोगों को इसकी जानकारी। लेकिन आपको बल मिला है, राकेश आपके पीछे ही एक वोट लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है वोट फॉर बेटर फ्यूचर। नहीं, तो ये आपको मुझे नहीं पता, आप रोज आते हैं, रोज लगा रहता है। दो साइकिल यात्री भी यहाँ पर हैं जो पदयात्रा कर रहे हैं, पदयात्रा करने वाले लोग हैं, वो बेचारे आए थे और आने के बाद में उन्होंने कहा कि हम लोग इस चीज का प्रचार कर रहे हैं कि बिककर ना वोट दी जाए, जो वोट देने का काम है वो निष्पक्ष रूप से किया जाए। राकेश टिकैत के यहाँ आने से आपको मजबूती मिलेगी और इस तरीके के लोग यहाँ आएंगे? कल हम लोग सरदार जो भी चढ़ूनी जी हैं, चढ़ूनी किसान चढ़ूनी के नेता हैं, तो वो भी कल शायद उनका आने का है। उसके बाद जो बड़ी पंचायत होगी उसमें भी कई लोगों को हमारा माने कि बुलाएं, और सामाजिक लोग तो लगातार रोज आ रहे हैं, ऐसा कोई दल विपक्षी नहीं है, लगभग हर दल पार्टी के लोग जा रहे हैं और संगठनों के लोग आ रहे हैं, और ये आंदोलन जनता के लिए है, जनता को समर्थ। 11 तारीख की महापंचायत में आपने, तो वहीं विधायक अतुल प्रधान ने सभी IMA डॉक्टरों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि डॉक्टरों में दम है तो अपनी संपत्ति का 3 साल का प्रमाण पत्र दे दें और कह दें कि हमने लूट नहीं की है। राकेश टिकैत जी ने एक बात और कही है कि इसको राजनीतिक मंच ना बनाया जाए और साथ ही कोई जाति या मंच ना बनाया जाए। देखिए, राकेश टिकैत जी बड़े नेता हैं, किसानों के नेता हैं, हम हमेशा उनके आंदोलन संघर्षों में शरीक होते हैं। जब हमारी उनसे वार्ता हुई तो ये साफ साफ पता है कि अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी से विधायक है और मैं समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी भी करता हूँ, लेकिन मैंने हर मंच पर हर भाषण में बोला है कि ये जो आंदोलन है ये किसी दल, पार्टी, संगठन, जात धर्म से ऊपर उठकर यह आंदोलन है, और ये आंदोलन जो हम कर रहे हैं ये आवाम के लिए कर रहे हैं। यह आंदोलन कोई चुनावी परिप्रेक्ष्य में, यह आंदोलन कोई ऐसे नहीं है, ये आप सब लोग भी जानते हैं। यह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ,
या आप सब लोगों को इसकी जानकारी? लेकिन आपको बल मिला है राकेश, आपके पीछे ही एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है वोट फॉर बेटर फ्यूचर। नहीं तो ये आपको आपको मुझे नहीं पता, आप रोज आते हैं, रोज लगा रहता है। दो साइकिल यात्री भी यहाँ पर हैं जो पदयात्रा कर रहे हैं, पदयात्रा करने वाले लोग हैं, वो बेचारे आए थे और आने के बाद में उन्होंने कहा कि हम लोग इस चीज का प्रचार कर रहे हैं कि बिककर ना वोट दी जाए, जो वोट देने का काम है वो निष्पक्ष रूप से किया जाए। राकेश जी कहते हैं यहाँ आने से आपको मजबूती मिलेगी और इस तरीके के लोग यहाँ आएंगे। कल हम लोग सरदार जो भी चढ़ूनी जी हैं, किसान चढ़ूनी के नेता हैं, तो वो भी कल शायद उनका आने का है। उसके बाद जो बड़ी पंचायत होगी उसमें भी कई लोगों को हमारा मने की बुलाएं, और सामाजिक लोग तो लगातार रोज आ रहे हैं, ऐसा कोई दल विपक्षी नहीं है, लगभग हर दल पार्टी के लोग जा रहे हैं और संगठनों के लोग आ रहे हैं, और ये आंदोलन जनता के लिए है, जनता को समर्थ। और जब मीडिया कर्मियों ने विधायक अतुल प्रधान से पूछा कि राकेश टिकैत ने आपसे कहा है कि इसको कोई राजनीतिक और जात पात का मंच न बनाया जाए, तो विधायक अतुल प्रधान ने कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। सपा विधायक अतुल प्रधान जिस मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे हैं, ये मुद्दा कोई मामूली नहीं है। आए दिन प्रदेश में अलग अलग जिलों से प्राइवेट अस्पताल की मनमानी सामने आती रहती है। अब देखना ये होगा मेरठ के प्राइवेट अस्पतालों के व्यवहार पर इस आमरण अनशन से क्या फर्क पड़ता है। ये खबर हमारे संवाददाता शहरुख सैफी के साथ सहयोगी आसिफ सैफी ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस खबर से Facebook के जरिए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।